या तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो या तो फिर इश्क। एक हम है जो दोनों कर बैठे। तो वही है कि एक कहानी होगी और आपको कहानी समझ आ जाएगी शुरू से। तो होता क्या है कि इश्क में पहले और रूठना मनाना चलते रहता है, तो एक लिमिट क्रॉस हो जाती है। फिर मैंने उस पर लिखा था कि ये रूठना मनाना आखिर कब तक चलेगा, ये रूठना ये मनाना आखिर कब तक चलेगा, वही पुराना बहाना कब तक चलेगा, ये रूठना ये मनाना आखिर कब तक चलेगा, वही पुराना बहाना आखिर कब तक चलेगा। मैं मान चुका हूँ कि तुम अब किसी और की अमानत हो, मैं मान चुका हूँ कि तुम अब किसी और की अमानत हो, ये बार बार जताना आखिर कब तक चलेगा, ये रूठना ये मनाना आखिर कब तक चलेगा, वही पुराना बहाना आखिर कब तक चलेगा। होता क्या है कि जब किसी से मोहब्बत होती है और फिर वो किसी और के साथ चले जाते हैं, तो उस पर दो लाइन लिखा था कि हमारी माशुकाओं की बेवफाई के कारण ना जाने शहर के कितने जाहिल आशिक आबाद हो गए। फिर लिखा है कि आजकल की जो मोहब्बत है उस पर लिखा था, खासकर कॉलेज में जो मोहब्बत हो रही है उस पर लिखा था कि इतने सारे रिश्ते कैसे निभाते हैं लोग, कभी इसके कभी उसके कैसे हो जाते हैं लोग, और जिन्हें देखकर रास्ते में कभी मुंह फेरा करते थे, और जिन्हें देखकर रास्ते में कभी मुंह फेरा करते थे, अब अकेले में उन्हें अपने घर बुलाते हैं लोग, कभी इसके कभी उसके कैसे हो जाते हैं लोग, इतने सारे रिश्ते कैसे निभाते हैं लोग। फिर होता है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो वो लौटता है एक समय पर और फिर कोशिश करता है कि आपसे उसकी बात हो, पर तब तक आप आगे बढ़ चुके होते हो। मेरा यही मानना है कि किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए, किसी नए की तलाश में रहना चाहिए। तो उस पर लिखा था मैंने कि कितने ख्वाब जलाए हैं मैंने ये जानकर क्या करोगी, कितने ख्वाब जलाए हैं हमने ये जानकर क्या करोगी, कितने रात जगे हैं हम ये जानकर क्या करोगी, अब तो मेरे अपने भी मुझसे नाराज़ रहा करते हैं, अब तो मेरे अपने भी मुझसे नाराज़ रहा करते हैं, गैरों की महफिल में मुझको अपना मान कर क्या करोगी, कितने ख्वाब जलाए हैं मैंने ये जान कर क्या करोगी। तो दोस्तों में अक्सर बात होती है, यार तेरी उससे बात होती थी अब क्या हो गया, तो मैंने उस पर दो लाइन लिखा था कि चलो माना कि बेशक नाकाम की है, चलो माना कि बेशक नाकाम की है, पर जब भी मोहब्बत की है खुलेआम की है। फिर है कि मैंने बहुत लोग को देखा है कि किसी से जब मोहब्बत करते हैं तो खुद की असलियत ख़त्म हो जाती है उनकी, वो उसी के नाम से पुकारे जाते हैं, आपका नाम नहीं वो लड़की के नाम से पुकारे जाते हैं वो। तो मैंने उन लोगों के लिए लिखा था, मतलब कि खुद के लिए लिखा था शुरुआती दौर में, कि किसी को पाने की ख्वाहिश में खुद को खोया ना करो, यूं महफिलों में सबको हंसा कर अकेले में रोया ना करो, अगर दिल में कुछ है तो उसे जुआ पर लाओ, अगर दिल में कुछ है तो उसे जुआ पर लाओ, ये बेवजह के ख्वाब तुम पिरोया ना करो, किसी को पाने की ख्वाहिश में तुम खोया ना करो। अब है कि लोग पूछते हैं कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो कैसी है, तो उसके लिए भी दो लाइन मैंने लिखा था कि मेरे इश्क की एक अलग पहचान है, बाल लंबे हैं उसके चेहरे पर झूठी मुस्कान है। होता क्या है कि जब आप इश्क करते हो और फिर आप आगे बढ़ जाते हो अपने लाइफ में, तो फिर ये रहता है कि हम ऐसा क्या करें कि जो छोड़ गया उसे अफसोस होना चाहिए आपको छोड़ने का, नहीं तो आपका इश्क करना बेकार है। तो मैंने उस पर लिखा था कि जब समझेगी मेरी कद्र तो बड़ा पछताएगी वो, कि जब समझेगी मेरी कद्र तो बड़ा पछताएगी वो, चाह कर भी अपने आंसू ना रोक पाएगी वो, और असल में मिलना जब मुझसे नामुमकिन हो जाएगा, और असल में मिलना जब मुझसे नामुमकिन हो जाएगा, तब ख्वाबों में मेरे नाम को दोहराएगी वो, जब समझेगी मेरे कदर तो बड़ा पछताएगी वो, चाह कर भी अपने आंसू ना रोक पाएगी वो। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैं जाने के पहले बस दो लाइन और कहना चाहूँगा कि एक शायर होता है जो लिखता अच्छा है, एक शायर होता है जो कहता अच्छा है,
मैं दूसरा शायर बनना चाहूँगा, मैं कहना अच्छा चाहूँगा।